हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रोडी व्लॉग्स। और मैंने ये चैनल कर दिया हाईजैक। हेलो गाइस, ये पूरी जो रेंज देख रहे हो, ये सारी की सारी हिमालयन हमारी केदारनाथ गंगोत्री रेंज है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रूडी व्लॉग्स। तो गाइस, ये वीडियो आपको देखने मिलेगा जो जगह में मैं आया हूँ, दयारा बुग्याल। बहुत ही फेमस जगह है, हमारे उत्तरकाशी में पड़ती है। अगर आप लोग अभी उत्तरकाशी की साइड, गंगोत्री की साइड घूमने के लिए आते हो तो ये ट्रैक मिस मत करिएगा। तो गाइस, ये गोला बनाने की निंजा टेक्निक देखिए। अगर आप लोग भी बर्फ में आते हो, आपके पास भी कोल्ड ड्रिंक है, तो देखिए कैसे बनाते हैं गोला। कितना प्यारा है गुटरू ये। तो ये सेफ नहीं है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा बर्फ पड़ी। तो गाइज, रात को हम यहाँ रुके थे रैथल गांव में, होम स्टे में, जो मैंने आपको पूरा दिखाया। तो अभी हम निकल रहे हैं ट्रैक के लिए, दयारा ट्रैक, दयारा बुग्याल। बहुत ही प्यारी जगह है गाइज, आपको वहाँ से नज़ारे दिखाएंगे और देखते हैं वहाँ पर बर्फ़ पड़ी हो या नहीं पड़ी हो। अभी हमें ये जो पीक दिख रहे हो आप ऊपर पहाड़ों की, उसके ऊपर से होके जाना है। 8 किलोमीटर का ट्रैक है। सबने अपने बैग पैक कर लिए, अब हम निकलते हैं, मिलेंगे आपको बीच रास्ते में दिखाते दिखाते। ये रास्ता है यहाँ से, द गोट विलेज है। अच्छा, ये जो आगे है ये पीछे था, यही है 400 मीटर। अच्छा, 400 मीटर आगे, 15 से 30 मिनट का रास्ता है, 8 किलोमीटर का। हमने इधर जाना है क्या? रैथल से जा रहे हैं हम दयारा। अच्छा, रैथल से दयारा। दूसरा ट्रैक बारसू से आगे। अच्छा, वो दूसरा ट्रैक है। तो गाइस, कभी भी आप दयारा बुग्याल कराओ तो यहाँ का परमिट लेना पड़ता है, 250 पर पर्सन। हमारा 1500 रुपये लग गया सबका। और यहाँ पे चेकिंग करने वाले होते हैं, तभी आपको अलाउ करेंगे इस ट्रैक पे जाने के लिए। ये रिलायंस फाउंडेशन ने भी यहाँ पे कुछ काम किया है, शायद वाटर टैंक लगाया, पानी के टैंक 5 लगाए इन्होंने, क्षमता 15,000 लीटर। बहुत अच्छा काम कर रही है रिलायंस फाउंडेशन भी। और बहुत ही प्यारे प्यारे यहाँ पे रिजॉर्ट और ये होम स्टे बनाए हुए हैं, और होटल भी मिल जाएंगे आपको यहाँ पे खाना खाने के लिए, और शॉप्स की भी कमी नहीं है। अभी हमारा ट्रैक शुरू हो रहा है गाइस, सर्दियों में यहाँ बर्फ़ पड़ी रहती है, पहले बता रहा हूँ आपको। ये ऊपर पूरी रेंज में आपको बर्फ़ दिखेंगी। अभी यहाँ से हम कुछ ले लेते हैं खाने के लिए, स्नैक्स वगैरह, फिर इसके बाद हमें कोई शॉप नहीं मिलने वाली शायद। तो गाइस, 400 मीटर हमने कवर किया है। ये गोट विलेज है, बकरियों का गांव, बट मुझे अभी बकरी नहीं दिखी यहाँ। कितना सुंदर बनाया वो लोगों ने, बहुत ही अच्छा डेवलप है गाइस ये गांव। अभी हमको काफ़ी डिस्टेंस कवर करना है उस वाले रूट पे जाके, फिर ऊपर 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 वो बुग्याल से उधर 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 उस साइड में जाना है। बुरांस के फूल, गोपी ने तो बैग फेंक दिया अपना। तो गाइज, बुरांस खा रहे हैं एनर्जी रीगेन करने के लिए, और फिर यहाँ से ट्रैक शुरू। बुरांस का फूल उत्तराखंड में पाया जाने वाला काफ़ी मशहूर फूल है, जिसका बुरांस का शरबत बनता है। जगह जगह हर पार्टी की शान होता है बुरांस का शरबत। आज हम सीधे सोर्स से, क्योंकि हम ऑर्गेनिक खाद्य को और ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल को बहुत ही प्रमोट करते हैं, इसलिए हम सीधे बुरांस का फूल वहाँ से तोड़ के दिखाओ जरा, वहाँ से तोड़ के हमने बंदा रखा है 7,500 में। इसने बुरांस के फूल तोड़ता है, घर आके रिश्ते भी तोड़ सकता है, शादीशुदा जिनके चल नहीं रहे, ठीक है। बहुत बढ़िया फूल है, खट्टा मीठा, आए और खाएं। अरे उत्तराखंड का वो भी तो है फ्लावर, स्टेट फ्लावर। ऐसा मुझे इन्फॉर्मेशन थी पर श्योर नहीं था, इसलिए मैंने दी नहीं। पक्का? हाँ पक्का। चलिए ठीक है। अभी हम जा रहे हैं फूलों की घाटी के बीच से, जहाँ आपको बुरांस बुरांस के ही फूल देखेंगे। फूल हमारे साथ जा भी रहे हैं, जब मुड़े सृष्टि। एक फूल ये हमारा नन्ना फूल, चलिए FOOL वाला फूल। तो ये जो सृष्टि है, इन्होंने मुझसे गुलाब का फूल मांगा था, गुलाब का फूल तो मुझे मिला नहीं, फिर ये बुरांस भी गुलाब जैसे ही लग रहा है ना, रेड रेड। तो मैं उत्री जी को ये दे रहा हूँ, ये देखिए। तो गाइस, ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है। बहुत ही ज़्यादा प्यास लग गई थी, तो हमसे आगे हमारे दो भाई गए, तो उन्होंने पानी की बोतल कहीं रखी है, तो वही हम ढूंढ रहे हैं। रास्ते के पास ही उन्होंने रखी है,
और उनको पता था कि हम लोगों के पास पानी नहीं है, तो उन्होंने रास्ते में ही पानी रखा हुआ है। और जहाँ मुझे दिख रहा है वो सामने उन्होंने बोतल रखी है, जहाँ भाई लोग जा रहे हैं यहाँ से दिखाई दे रही है। तो ये कुछ व्यू है गाइस यहाँ का, ये छोटे छोटे बुग्याल यहाँ पे हैं और वो नीचे रैथल गांव जहाँ से हम आए हैं। तो गाइस बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस यहाँ पे आके हो रहा है, हिमालयों के बीच ऐसी पहाड़ी में ट्रैकिंग करना गाइस नेक्स्ट लेवल। और बहुत से लोगों को ट्रैकिंग करना पसंद है, तो आप लोग ज़रूर दयारा बुग्याल ट्रैक करिएगा, आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है। बीच में इतने प्यारे प्यारे व्यू आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और जहाँ पे हम कैंपिंग जा रहे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें बर्फ़ देखने को मिलेगी गाइस, तो वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। बने रहिएगा व्लॉग के साथ, पूरा वीडियो देखिएगा, मज़ा आएगा आपको। बाप रे बाप, इधर मेरी तरफ ही आ गए। चलिए आराम आराम से। तो गाइस ये मिस इंडिया का ताज मैंने गुटरी के लिए बनाया है, सृष्टि के लिए, तो इसको पहना देता हूँ। अब क्लैपिंग बजाएंगे, तालियां पूरी ऑडियंस यहाँ पे, आप सब लोग तालियां बजाएं जितने यहाँ पे हैं। एक ही ऑडियंस है बस। तो गाइस ये मैंने बैम्बू का बनाया हुआ, आप देख सकते हो किस टाइप का ये। कितने घंटे लगे इसे बनाने में? इसे आधा घंटा लगा मुझे, क्योंकि तोड़ के कटिंग कुटिंग करनी पड़ी मुझे, सिर्फ मेरे लिए। और गुटरी खुश हो गई। राजेश रेस्ट पॉइंट में रेस्ट करते हुए, पवन पड़ रहा है, मैं पवन को टीन शेड के नीचे। भाई थोड़ा बुरा आंस तोड़ दे। गाइस ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर कवर कर लिया हुआ हमने, अभी भी 5 किलोमीटर और जाना है। गाइस फाइनली गुई गांव हम पहुंच गए हैं, एकदम इस पहाड़ के पीक में बसा हुआ ये गांव है गुई, दिखाता हूँ आपको। और बुग्याल के एकदम ऊपर लोग यहाँ पे अपनी भेड़े चलाने लेके आते हैं। बैक साइड में व्यू देखिए कितना बुग्याल है यहाँ पे, ये देखिए कैंप भी है यहाँ पे। जो लोग ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि हमने काफ़ी 3-4 किलोमीटर और जाना है दयारा बुग्याल का ट्रैक करना, और ये उससे नीचे बेस कैंप बोल सकते हो आप। ये बुग्याल के पास एक शॉप भी है, यहीं से कुछ खाते हैं पीते हैं फिर निकलते हैं आगे के लिए, थोड़ा रिलैक्स करते हैं यहाँ पे गाइस। काजू बादाम भी हम लेके आए हैं ना खाने के लिए, काजू बादाम भी है और ये भी आपको डेट्स खाने हैं, कुछ निकालो, टूथब्रश, टूथपेस्ट, ये खाना है हमने। ये लो। अरे यार एक तुम्हें देने चाहिए थे ना, मैंने डेट्स भी रख देने थे वहाँ पे। ये फेंटा है कल की है, फेंटा खोल ले। गाइस ये देखिए यहाँ पे फॉरनर्स भी आते हैं, बाहर के लोग जिनको पता है दयारा बुग्याल के बारे में। हेलो गाइस, 6 किलोमीटर कवर करने के बाद ये बर्फ़ दिखी, अभी और भी दिखने वाली, ऊपर जाके देखेंगे आपको। तो गाइस एक पत्थर मिला हमें बहुत ही शाइनी, इसको हम अपने साथ लेके जा रहे हैं, हमारी कुछ यादें रह जाएंगी वो इस ट्रैक की। देख रहे हो आप कितना चमक रहा है, नॉर्मल पत्थर आप देख सकते हो कैसे है, बट इसकी शाइनी कुछ अलग है गाइस। ओहो पीने का पानी को भी बहुत ही शुद्ध है, तो पहाड़ों के बीच से आता। अरे वाह गुटरू कितना ब्यूटीफुल है, तो कितना प्यारा है गुटरू, ये तो यहाँ से देख, तुम्हें वहां से नहीं दिख रहा होगा।
तो गाइज पहुंच तो गए हैं कभी कहीं चोटी पे, पता नहीं है दयारा बुग्याल है या क्या है, आगे जा के बताते हैं आपको और व्यू दिखाते हैं। पहले आपको सांसें बहुत ज़्यादा फुल गई है, मोर देन 8.5 किलोमीटर का ट्रैक है ये। ये देखिए टॉप पे हम पहुँचे गाइस, यहाँ से जो व्यू दिख रहा है ना गाइस एक नंबर, ओ माय गॉड क्या ही व्यू है। सॉरी गाइस बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी भी है यहाँ पे और हम थक चुके हैं इस करके मेरी सांसें इतनी फूल रही हैं। अगर आप लोग कभी यहाँ आते हो तो ट्रैकिंग शूज और दवाइयाँ वगैरह अगर आपको ऑक्सीजन की कोई प्रॉब्लम है। ये देखिए क्या ही नज़ारा गाइस, गाइस वहाँ पे हम लोगों के लिए अभी दाल चावल बन रहा है और रात का स्टे हम यहाँ करेंगे। जो हट दिख रही है आपको वाइट कलर पर कवर लगा हुआ है, हाँ गांव वाली फीलिंग आएगी मस्त। और आपको दिखाता हूँ व्यू यहाँ से। तो गाइस खाना खा लिया यहाँ से, अभी चल रहे हैं ऊपर के लिए जो मेन स्पॉट है यहाँ पे, वहीं चलेंगे आप लोगों को दिखाएंगे वहाँ से व्यू। थोड़ा शॉर्टकट ले रहे हैं हम लोग, ये शॉर्टकट है थोड़ा। यहाँ से ऊपर 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 राइट, चलिए दयारा बुग्याल समिट पे, दयारा बुग्याल समिट पे हम लोग जा रहे हैं। यस ओके, ओहो चलिए ऊपर चल के बताएंगे आपको वहां से नजारा दिखाएंगे। हेलो गाइस वेलकम बैक टू रूडी व्लॉग्स, और मैंने ये चैनल कर दिया हाईजैक। वाह भाई कितनी बर्फ पड़ी है यार यहाँ पे, क्या ही नजारे। वाह बर्फ के साथ थोड़ा एंजॉय करते हुए। वन टू नहीं गई ना बॉडी नीचे नहीं गई। तो गाइज ये टाइम शुरू है, मैंने आपको दिखाया कैसा लगा वीडियो में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी आपको और ऊपर लेके चलते हैं गाइज, ये रेंज देख रहे हो आप, ये पूरी जो रेंज देख रहे हो ये सारी की सारी हिमालयन हमारी केदारनाथ गंगोत्री रेंज है ये जो आप देख रहे हो। और इसी रेंज के पीछे चाइना शुरू हो जाता है गाइज, जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना पीछे, उसके पीछे ये देखिए पेड़ भी सर्वाइव कर रहे हैं इतनी बर्फ़ में। और जो यहाँ पे कोई भी पेड़ नहीं है, ये बुग्याल है, मतलब एक ग्राउंड है जो कि घास का बना हुआ है, इसमें पेड़ नहीं है इस वाले में, इसीलिए हम इसको बुग्याल बोलते हैं। यहाँ पे आके आप लोग पिकनिक मना सकते हैं, नीचे रुक सकते हैं जहाँ पे हम रुके हैं होम स्टे में, अपने दोस्तों के साथ कैंप लेके अपना कैंप सेटअप करके यहाँ पे आप आनंद उठा सकते हैं। बट बहुत ही ज़्यादा ट्रैक करके आना पड़ेगा आप लोगों को, प्रिपेयर होकर आना पड़ेगा। हम लोग तो पहाड़ी बंदे हैं तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, थोड़ा थकान लगती है बट चल जाता है काम। चलिए अभी आपको पीक पर लेके चलते हैं ऊपर, जहाँ पे वो भाई लोग वेट कर रहे हैं हमारा उधर ऊपर, वहाँ से भी मैं आप लोगों को नज़ारा दिखाऊंगा गाइस। गाइस ये सारी मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, जितना भी मैं कैप्चर कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आने वाले टाइम में जो बंदे आ सकें वो मेरी वीडियो देखें और उनको पता चले कि यहाँ पर आने के लिए कैसे कैसे प्रिपेयर होना पड़े, है ना। और आप लोगों को घर से मैं घुमा रहा हूँ इतना प्यारी जगह, तो एक लाइक तो बनता है गाइस,
जिस जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब करिए। अभी मैं आपको और खतरनाक वाले नज़ारे दिखाने वाला हूँ। ऊपर से वाइफ मेरी पीछे रह गई है, उस साइड में भाई के साथ आ रहे हैं वो भी धीरे धीरे करके। मुझे था कि अपना वीडियो पहले कंप्लीट कर लूँ फिर मैं सबके साथ इन्वॉल्व हो जाऊँगा, तो पहले मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखा पाऊँ दयारा बुग्याल कैसी जगह है। गाइज ये अप्रैल का महीना है गाइज, तो अप्रैल के महीने में इतनी बर्फ़ आपको देखने को मिलेगी, और हर 3 से 4 महीने में यहाँ का जो आप व्यू देख रहे हो ना ये टोटली चेंज हो जाता है गाइज। अगर आप जून जुलाई में आओगे जो ये आप देख रहे हो बर्फ़ आपको देखने को नहीं मिलेगी, उसके बदले जो ये आप देख रहे हो ना ग्रासलैंड ये पूरा का पूरा हरा आपको देखने को मिलेगा। पीछे साइड में भी आपको बर्फ़ थोड़ी हल्की दिखेगी क्योंकि गर्मियों का सीज़न होता है तो ज़्यादा बर्फबारी नहीं दिखेगी। और अगर आप लोगों को बर्फ़ पसंद है सर्दी पसंद है तो आप सितंबर अक्टूबर में भी आप यहाँ पे आ सकते हो। बट एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप सर्दियों में यहाँ पे आते हो तो हाइकिंग शूज़ विद स्पाइक लेके आना, वरना आपको होम स्टे वाले से लेना पड़ेगा, उससे कुछ आपको चार्जेस पड़ेंगे। और जैसे जैसे बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है तो यहाँ पे टूरिज़्म ज़्यादा बढ़ जाता है और होम स्टे का रेंट भी ज़्यादा हो जाता है, तो आप लोगों को ये सब ध्यान में रखना है। जो भी होम स्टे कराओ थोड़ा बार्गेनिंग कर लेना, प्राइस थोड़ा अप डाउन कर लेते हैं वो लोग। तो ये देखिए गाइस क्या ही नज़ारे हैं। गाइस इस ट्रैक के बारे में मुझे बिल्कुल पता नहीं था, ये मेरी वाइफ ने मुझे बताया, रिकमेंड किया था कि दयारा बुग्याल जरूर आना, और सृष्टि को थैंक यू बोल देना सारे कमेंट बॉक्स में। इस स्वर्ग में वो मुझे लेके आई है शादी के बाद, बताओ देखा आपने इतना खूबसूरत नजारा दयारा बुग्याल। तो गाइस ये गोला बनाने की निंजा टेक्निक देखिए, अगर आप लोग भी बर्फ में आते हो आपके पास भी कोल्ड ड्रिंक है तो देखिए कैसे बनाते हैं गोला। मैं जाके 6 साल का कोर्स करके आया हूँ गोला बनाने का। ये दो स्टिक फटाओ, एक लेफ्ट एक राइट में, गोभी एक दो स्टिक देना। यही सिखाया था उन्होंने, दो स्टिक सिखाना उस दिन ही छुट्टी पे थे। पीछे के नजारे देखिए गाइस खूबसूरत है ना, एक लेफ्ट से पकड़ना एक राइट से डालो कोला और से सब पियेंगे से थोड़ा थोड़ा। वाओ डालो ये गोला बन गया, मजा आ रहा होगा ना उधर से। इतना भाई याद गोला कितना स्वादिष्ट है ना। हमने आपको एक टेक्निक भी सिखा दी है ना कोका कोला से गोला बनाने की। ये भाई लोग एंजॉय करते हुए गप्पे मार रहे हैं स्वर्ग में, आनंद ले रहे हैं स्वर्ग का, देख ले इनकी हंसी। तो गाइस इधर ऑलमोस्ट हमने 1.5-2 घंटा एंजॉय कर लिया, इस व्यू को देख लिया। थोड़ा मौसम ख़राब हो रहा है, लग रहा है उस साइड से बारिश आ रही है, आप देख सकते हो बैक साइड में पूरा अंधेरा हो गया, काला हो गया। और अभी हमको यहाँ से ऑलमोस्ट 1.5-2 किलोमीटर नीचे जाना है, सामने भी देख सकते हो इधर भी बर्फबारी हो रही है जो ऐसे साइड में आपको दिखाई दे रहा है, तो अभी हमको नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि बैक साइड से हमारे एकदम आ रही है बारिश तेज, जितना मुझे लग रहा है एकदम काला आपको दिख रहा है, तो ये सेफ़ नहीं है हमारे लिए क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है फिर स्लिपरी भी हो जाएगा। तो चलते गाइस आप आगे लेके चलते हैं आपको, जहाँ हमारा स्टे है वहाँ रुकेंगे, आपको दिखाएंगे आपको कुछ नज़ारे किस तरह से हम रुके हैं वहाँ पे। पीछे बादल गरज रहे हैं, बारिश होने वाली है थोड़ी देर में, दिखाता हूँ गाइस आपको पीछे, यहाँ से आवाज़ आ रही है देख सकते हो आप कितना काला हो गया, और थोड़ा रिस्की हो जाएगा, ठंड ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब बारिश में भीगना इस टाइम ठीक नहीं क्योंकि कपड़े हमारे पे इतने हैं नहीं, क्योंकि हमारा सारे कपड़े जितने हैं और रैथल नीचे हैं होटल में। ये कुछ नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ गाइस, स्नोमैन बनाते हुए
आंख एक प्रकार पतक है। अच्छा इसकी तो कैसी आंखें लग रही है, देखना स्टार जैसी है। इसकी आंख हुई नाक, पता क्या करना, बर्फ का एक गोल वो गोला लेके उसकी नुकीला करके उसके नाक में चिपका देना। बहुत नुकीली आंखें गोपी इसकी तो दानव है वो, दानव आंखें दबा दबा नहीं पाऊंगा मैं बहुत। उसकी मुंडी में लकड़ी से कर लेना, पूरी लकड़ी तो वैसे करके चपटी करके ऐसे में हाँ दबाना, दोनों साइड से पकड़ ले, ले जा रहा मतलब। तो गाइस स्नोफॉल स्टार्ट हो गई जो आपको दिख रहा है, ये देखिएगा। वेट कर रहे हैं कि और ज्यादा स्नोफॉल हो और सुबह का मॉर्निंग का व्यू मैं आपको दिखा पाऊं स्वर्ग से। गाइस यहाँ सामने बारिश हो रही है, ये देख रहे हो आप, यहाँ बीच में इस जगह पे भी बारिश हो रही है और यहाँ से लेफ्ट साइड में पूरा ही ब्लैकिश है। और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ बर्फ पड़ रही थी हमारे ऊपर, अभी गल गई है। वेट कर रहे हैं रात का, क्या पता बारिश हो जाए, क्योंकि हमारे ऊपर एकदम काले बादल हैं और यहाँ पे बारिश का मतलब है बर्फ पड़ना। तो इतनी हाइट है यहाँ पे, जो बारिश के बूंद होते हैं वो बर्फ बन के नीचे टपकते हैं, देख लीजिए। बैग अंदर ही रख भैया आपने, तो आपको लेके चलते हैं किचन में अपने। तो वाह वो छोंका लग रहा है, क्या शानदार है, गढ़वाली स्टाइल में है। आज क्या बन रहा भाई जी? हाँ सब्जी किस चीज से बना रहे हो आप? पत्ता गोभी, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग गाइज, सनराइज़ मैंने आप लोगों को दिखाया है, बहुत ही खूबसूरत मौसम यहाँ का अभी सुबह सुबह का हो रहा है। रात को तो बहुत ही बर्फबारी हुई थी यहाँ पे, फिर रात के 2-3 बजे मौसम खिल गया था, उसकी भी फ़ोटो मैं आपको दिखाऊंगा। रात को क्या ही नज़ारे दिखे थे यहाँ से, हम 2-3 बजे करीबन उठे थे देखने के लिए कि ज़्यादा बर्फबारी हो रही है या नहीं हो रही है, बट रुक गई थी बर्फबारी, अभी बहुत कम हुई है। ये हमारा बेस कैंप है जहाँ पे हम रुके हुए, और जहाँ सबसे ज़्यादा बर्फबारी होती है वो मैंने आपको कल लेके गया था इस ट्रैक के आगे सीधा लेफ्ट साइड में ऊपर के लिए, तो वहाँ पे वो दयारा बुग्याल जो हमने कल आपको दिखाया था गाइज। तो ये कुछ मैंने आपको व्यू दिखाया, एंजॉय दिस सीनरी गाइज, पहाड़ और पहाड़ की मैगी, वाह। गंगोत्री और केदारनाथ का कौन सा है? वो तो गंगोत्री रेंज ही आ गया श्रीकांत, जिसमें वो नुकीला वाला पहाड़ है ना एकदम जो नुकीला, हाँ सारे वो, इसके इधर केदारनाथ उसके पीछे। अच्छा इसके पीछे केदारनाथ, अच्छा वो जाते हैं लोग पैदल, 10-12 दिन का ट्रैक होता है। अच्छा बाप रे बाप, पहाड़ों के बीच ही बीच है केदारनाथ होके, और कोई मारा निकलते हैं कोई, कहाँ से शुरू होता है वो रास्ता, कहाँ से शुरू, एक वो वहाँ से होता है गंगोत्री से होता है। अच्छा पैदल यात्रा और फिर एक तपोन से होता है। अच्छा तपोन वो माड़ा गांव निकलता है, ग्रुप कितना बड़ा होगा वो, तो 14 दिन का ट्रैक है। पहले जैसे हम पैदल ही जाते थे, हाँ पैदल पैदल उसी तरह से चारों धाम। अभी देखो ये बंदर पहुँच हो गया, इसके पीछे वो यमुना जी हो गए, इधर फिर गंगोत्री, फिर बद्रीनाथ केदारनाथ, चारों की पहाड़ी। ये दयारा, ये जो है ना दयारा ये ऊपर, तो इसमें यही रास्ता है कि इसके पीछे साइड से भी कोई रास्ता है, कोई गांव वाला, यही एकमात्र यही रास्ता है। बारसू से भी, बारसू से मतलब वो अलग रूट है। अच्छा ये बैक साइड है ना, अच्छा ये 1 किलोमीटर कम है, खड़ी चढ़ाई में, ये खड़ी चढ़ाई में रोड है नीचे वो बारसू की, वो जो बता रहे गाँव गाँव तक रोड है खड़ी चढ़ाई। हमें तो वो बता बता क्या है कि अप प्लेन है और पूरे रास्ते प्लेन ही नहीं आया कहीं, वो हल्का प्लेन है, वो क्या बोल चलता है उतना होता है अभी तो। बर्फ
बढ़िया एक्सपीरियंस है। सो गाइस, ये कुछ व्लॉग था तुम्हारे भाई का। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा। जो लोग उत्तराखंड नहीं आए, उत्तरकाशी नहीं आए, उन लोगों के साथ तो जरूर शेयर करिएगा गाइस। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में एक डेस्टिनेशन के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल गाइस। इसको देख के ना मन नहीं भर रहा गाइस, सच में भाई बोलने का भी मन नहीं कर रहा मेरा, बट क्या करें, मजबूरी है, वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है।